हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का ही लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और जो बुक हम कर रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो चलाई गई है ये बुक, जो कि अभी आपके स्कूलों में वर्तमान में चल रही है, तो उसी बुक को हम कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, रीट की करो, SI पुलिस की आप तैयारी करो, RAS तक की भी आप तैयारी करते हो, तो भी आपको इन बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। इनको जो है आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो चलिए, इन्हीं के क्वेश्चन जो हैं, जो कि चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, वही हम करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 देखें। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस प्रसिद्ध गीत के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप जो हैं इस गीत के रचयिता हैं। राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन रहे? तो मेजर पीरू सिंह शेखावत राजस्थान के पहले जो है परमवीर चक्र विजेता रहे। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ था? मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म जो है वह 20 मई 1918 को गांव रामपुर में हुआ था, और ये कहाँ है? झुंझुनू में है, शेखावटी क्षेत्र में है। मेजर पीरू सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? मेजर पीरू सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये 6 राजपूताना राइफल्स का नेतृत्व कर रहे थे। मेजर पीरू सिंह कब शहीद हुए? मेजर पीरू सिंह कब शहीद हुए? देखिए, 18 जुलाई 1948 को ये शहीद हो गए थे, ठीक है। और इनकी वीरता और बलिदान के लिए इनके मरने के बाद जो है भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से इनको नवाजा गया था। मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर शैतान सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जोधपुर में हुआ था, 1 दिसंबर 1924 को। किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए? किस युद्ध में मेजर शैतान सिंह शहीद हुए? तो भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 में हुआ था, उसमें मेजर शैतान सिंह शहीद हुए थे। वहीं शहीद मेजर पीरू सिंह, जो कि पाकिस्तान से जो है युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? मेजर शैतान सिंह किस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे? तो 13वीं कमायूनी बटालियन की सी कंपनी जो है उसका नेतृत्व ये कर रहे थे, ठीक है। तो इनकी बटालियन का क्या नाम है? 13वीं कमायूनी बटालियन। क्वेश्चन 9 है, मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया? मेजर शैतान सिंह ने किस स्थान पर युद्ध करते हुए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया? तो रेजांग ला दर्रा, ठीक है। इसमें चीनी सैनिकों का मुकाबला इन्होंने किया था। किस राजस्थानी को आजादी के बाद पहली बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो हमने परमवीर चक्र विजेता देखे, मेजर पेरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, ठीक है। उसके बाद देखिए, आजादी के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया गया सूबेदार चूना राम फागड़िया को। सूबेदार चूना राम फागड़िया, जो कि पहले महावीर चक्र विजेता रहे राजस्थान के 1948 में। किस वीर राजस्थानी सिपाही को पहला मरणोपरांत महावीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? तो देखिए, जो शहीद थे जिन्होंने महावीर चक्र पदक जो है जिनको सम्मानित किया गया, इससे शहीद सैनिक ढोकल सिंह। किस भारतीय जवान को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा? किस भारतीय जवान को 1971 में पाकिस्तान ने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हरूत सिंह, ठीक है। याद रखें, लेफ्टिनेंट कर्नल हरूत सिंह, इनको 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तानी जो थे इन्होंने फक्र ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे हवलदार शंभूपाल सिंह।
ठीक है, याद रखें हवलदार शंभूपाल सिंह, जिनको 1961 में जो है सबसे पहले जो है अशोक चक्र विजेता से इनको नवाजा गया। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया? तो देखिए ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था। वहीं हमने पढ़ा कि सूबेदार चूनाराम फागड़िया जो कि पहले व्यक्ति रहे जिनको पहला महावीर चक्र जो है वो उनको दिया गया था। क्वेश्चन 15 देखें, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये जो गीत है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं कवि प्रदीप। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं और फिर बच्चे बोलते हैं कि जो है बुक से बाहर जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पता नहीं कौन सी बुक से आ जाते हैं या गाइड से आ जाते हैं। क्वेश्चन तो आपके यहीं से आते हैं, जब चैप्टर का नाम क्या है, राजस्थान की शौर्य परंपरा, तो जहां पर हम ऐसे क्वेश्चन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। कवि प्रदीप का मूल नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी। कवि प्रदीप का जन्म किस स्थान पर हुआ? कवि प्रदीप का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उज्जैन में बड़नगर में इनका जन्म हुआ था। पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन के द्वारा करवाया गया? पुलवामा हमला किस आतंकी संगठन के द्वारा करवाया गया? तो जैश ए मोहम्मद के द्वारा जो है पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा में किस स्थान पर आतंकी आदिल अहमद उर्फ बकास ने विस्फोटक भरी गाड़ी से सुरक्षा बलों की बस में टक्कर मारी थी? तो वो जो स्थान था लैथपोरा इलाका, स्थान का क्या नाम था? लैथपोरा इलाका। तो पुलवामा जो जिला है उसके पास में ही ये जगह थी, लैथपोरा इलाका, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पुलवामा जिला कहाँ स्थित है? पुलवामा जिला कहाँ स्थित है? तो ये जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, तो याद रखें कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में है। पुलवामा हमले में राजस्थान के कितने जवान शहीद हुए? तो पुलवामा हमला जहाँ पर राजस्थानी जो है वो शहीद हुए, तो 40 से भी अधिक जवान जो है यहाँ शहीद होते हैं और बहुत सारे जो है वो घायल हो जाते हैं। तो जिसमें राजस्थान के जो जवान थे तो 5 थे, रोहितास लांबा, भागीरथ, नारायण लाल गुर्जर, जीतराम गुर्जर और हेमराज मीणा। अभिनंदन वर्धमान को 15 अगस्त 2019 को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए भारतीय जो वायुसेना थी उसके विंग कमांडर थे अभिनंदन, ठीक है, तो इनको सम्मान किया गया वीर चक्र से। इनको कब किससे सम्मानित किया गया? वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद कहाँ पोस्टिंग दी गई? विंग कमांडर जो अभिनंदन थे वायुसेना के, तो इनको पाकिस्तान से लौटने के बाद जो है पोस्टिंग दी गई राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर, ठीक है, तो राजस्थान से ही संबंधित है ये लाइन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट रहती है, आपके एग्जाम में आ सकती है। कैप्टन चंदन सिंह 1971 की लड़ाई में कहाँ तैनात थे? कैप्टन चंदन सिंह 1971 की लड़ाई में कहाँ तैनात थे? तो ये असम में तैनात थे। कहाँ पर थे? असम में तैनात थे। कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र कब दिया गया? कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र कब दिया गया? तो इन्हें 1972 ईस्वी में महावीर चक्र से नवाजा गया। नायक सुगन सिंह कहाँ के निवासी थे? नायक सुगन सिंह कहाँ के निवासी थे? तो ये नागौर जिले के निवासी थे। नायक सुगन सिंह किस राजपूताना राइफल्स में नियुक्त थे? नायक सुगन सिंह किस राजपूताना राइफल्स में नियुक्त थे? तो ये सातवीं जो राजपूताना राइफल थी त्रिपुरा में, तो यहां पर ये नियुक्त थे। नायक दुगेंद्र कुमार का जन्म किस गांव में हुआ था? नायक दुगेंद्र कुमार का जन्म किस गांव में हुआ था? तो नायक दुगेंद्र कुमार का जन्म सीकर जिले के झालरा गांव में हुआ था। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी कौन रहे हैं? राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख
प्रमुख वीर सेनानी कौन रहे हैं? तो देखिए हवलदार शंभूपाल सिंह, इनको 1961 में अशोक चक्र दिया गया। सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह को 1962 में, लेफ्टिनेंट पीएन दत्त को 1998 में, सुल्तान सिंह राठौड़ और निर्भय सिंह, तो इनको अशोक चक्र जो है इससे नवाजा गया था। आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के कीर्ति चक्र के विजेता कौन रहे हैं? राजस्थान में कीर्ति चक्र विजेता कौन रहे हैं? तो लखनऊ के कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास, जोधपुर के अमर सिंह राठौड़, राठेराव, जोधपुर के लाल सिंह राठौड़, मेवाड़ के रणशेर सिंह राणावत, चित्तौड़ के महावीर सिंह, धानी के दौलत सिंह और अलवर के सौरव सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये सभी कीर्ति चक्र विजेता रहे हैं राजस्थान के। तो चलिए चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है, और आप लोग वीडियो को बार बार देखें। इन चैप्टर में आपका जो जितना भी जीके है राजस्थान का वो आपको पूरा मिलता है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो बार बार इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ, जहाँ हम क्लास 10th जो है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज करें। थैंक यू।